रोटी का नूडल्स, बहुत ही स्वादिष्ट रोटी का नूडल्स आज बनने वाला है, बच्चे ही रोटी से नूडल्स। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की रेसिपी है रोटी का नूडल्स। रोटी का नूडल्स बनाने के लिए मैंने 4 रोटी रखी हुई थी, उसको बारीक काट करके रख लिया है। 1 बड़ा चम्मच घी डाल करके अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब होने वाला है, बच्चे खाकर खुश हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें और बताएं आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही स्वादिष्ट, देखिए बहुत बढ़िया गोल्डन कलर हो गया है, अच्छे से फ्राई कर लिया है इसको, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही स्वादिष्ट है। बारिश हो रही थी, बच्चों ने नूडल्स बनाने के लिए बोले, घर में नूडल्स था नहीं, अब क्या करें, तो मेरे पास दोपहर की रोटी बची हुई थी, उस रोटी को बारीक काट करके हमने नूडल्स तैयार कर लिया। एकदम बढ़िया सा फ्राई हो गया है, गोल्डन, एकदम गोल्डन कलर हो गया है। एक प्लेट में इसको निकाल करके रख लेते हैं। आप चाहें तो तेल, बटर या घी रख सकते हैं, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, इसको हल्का भून लेंगे, पत्ता गोभी सारे थोड़ा थोड़ा बारीक काट करके रखे हुए हैं, हल्का इसको भी भून लेंगे, सॉफ्ट होने तक भूनेंगे इसको, बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला ये रेसिपी है। एक छोटा बारीक प्याज कटा हुआ, सॉफ्ट होने तक इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसको। टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली सॉस आधी चम्मच, बड़ी चम्मच है इसलिए आधी चम्मच डालेंगे, सोया सॉस छोटी चम्मच आधी चम्मच, अच्छे से इसको देखिए मिक्स कर लिया, भून लिया। फ्रेंड एक बार ट्राई जरूर करें, रेड चिली पाउडर डाल दिया हल्का सा, थोड़ा सा तिखापन के लिए, कि टेस्ट और बढ़िया हो घर के, हल्का सा मैंने गर्म मसाला भी डाला हुआ है, देखिए एकदम बढ़िया से भुन गया है। अब इसमें जो फ्राई करके नूडल्स रखे हुए थे, रोटी का नूडल्स, इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ज़्यादा सूखा दिखे तो इसमें आप ज़्यादा नहीं, एक छोटा, अगर जरूरत ना पड़े तो इसमें पानी ना डालें, जैसे इसको हमने देखिए एकदम बढ़िया मिक्स करके इसको तैयार कर लिया, आपका नूडल्स तैयार हो गया है। हाय गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब।